एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट एंड आज इसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ। वैसे तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी कुछ टाइम से, मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। सो फाइनली मैं आप लोगों के साथ इसका कम्प्लीट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एंड ये जो प्रोडक्ट है गाइस, ये मेरे लिए एकदम न्यू था बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जिस प्रोडक्ट की, मैं आपको बताती हूँ। सो ये है ब्रांड फ्रॉम स्टैमियो। स्टैमियो का नेचुरल हेयर वैक्स पाउडर लॉन्च हुआ है। स्टैमियो ब्रांड की बात करूँ तो मैं इसके प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ एंड करती रहती हूँ। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट है वो मेंशन कर दूँगी, आई बटन पे आप चेक कर लीजिएगा। स्टैमियो एक ऑल नेचुरल ब्रांड है जो कि ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाता है, चाहे स्किन केयर हो चाहे हेयर केयर हो, एंड नाउ बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं। सो नेचुरल वैक्स पाउडर मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू था, एकदम न्यू था, बहुत ज़्यादा नहीं एकदम न्यू था। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है नेचुरल वैक्स पाउडर। मोस्टली क्या होता है, हम जाते हैं वैक्स करवाते हैं एंड देन पेन जो है बहुत ज़्यादा होती है। बहुत लड़कियों को होता है जो सेंसिटिव स्किन होती है जिनकी, अगर हम वैक्स करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा रैशेज होते हैं या फिर रेडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, पेन तो यार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ रहती है, वैक्स बिल्कुल भी ईजी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। बट नेचुरल वैक्स पाउडर जो है एकदम न्यू था, तो मैंने सोचा पेनलेस जो हेयर रिमूवल है वो चीज़ यहाँ पे है बट नॉट क्रीम। ठीक है, ये चीज़ मेंशन करती हूँ, नॉट क्रीम, क्योंकि क्रीम से अगर आप हेयर रिमूवल करते हैं तो वो थोड़ा सा केमिकल साइड चला जाता है। ये है ऑल नेचुरल, तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड मैंने इसको 2 से 3 बार यूज़ कर लिया है गाइस। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, साथ में ये एकदम आपको हर्बल नेचुरल फील देता है, आपकी स्किन के लिए सेफ है, तो अच्छी बात है ना। अभी के टाइम पे रहता है लोग नेचुरल चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, बालों पे नेचुरल पैक लगाऊंगी, बालों पे जो है नेचुरल हेयर ऑयल लगाऊंगी, चाहे तो स्किन की बात हो मैं नेचुरल फेस पैक ही लगाने वाली हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स नेचुरल होने चाहिए, प्लीज़ ये वाली चीज़ यूज़ मत करना, प्लीज़ वो वाली चीज़ यूज़ मत करना मेरे फेस पे, मुझे नेचुरल चीज़ें पसंद है, ऐसे बोला जाता है। बट नाउ नेचुरल वैक्स भी आ चुका है, तो यार ट्राई करते हैं किस तरीके से, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट थिंग, इस प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल बता देती हूँ क्योंकि ये जो पैक है इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है। सो ये गाइस, स्टैमियो नेचुरल हेयर वैक्स पाउडर जो कि पेनलेस इंस्टेंट हेयर रिमूवल देता है, साथ में ये है अल्कोहल फ्री। सो ये है ऑल स्किन टाइप के लिए, मेन एंड वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 150 ग्राम प्रोडक्ट अमाउंट मिल जाता है एंड इसकी जो प्राइस है गाइस वो है 497 रुपीज़। आप इसको अमेजोन से भी ट्राई कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी एंड आप जाके चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में इजीली मिल जाएगा। तो ये जो नेचुरल वैक्स पाउडर है गाइस, ये है क्रुएल्टी फ्री। इसमें इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मेंशन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सो इसमें यूज़ किया गया है मुल्तानी मिट्टी, ऑरेंज पील पाउडर एंड इसमें यूज़ किया गया है फेनल सीड पाउडर का, सैंडलवुड पाउडर यूज़ किया गया है, एलोवेरा का यूज़ किया गया है, एलोवेरा पाउडर के रूप में है। साथ में इसमें बेस पाउडर यूज़ किया गया है, कॉफ़ी पाउडर यूज़ किया गया है, राइस फ्लावर का यूज़ किया गया है, कोकोनट मिल्क पाउडर का यूज़ किया गया है, परफ्यूम का यूज़ किया गया है, जैस्मिन एसेंशियल ऑयल का यूज़ किया गया है। सो अभी मैं आपको इसे ओपन करके बता देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, पाउडर बेस में है, साथ में जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको इसमें जैस्मिन की फ्रेग्रेंस मिलती है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब भी हम कोई वैक्स या फिर कुछ भी हेयर रिमूवल चीज़ें यूज़ करते हैं तो इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अजीब होती है, बट ये जो पाउडर है ये नेचुरल फील देता है आपको, साथ में इसमें आपको नेचुरल फ्रेग्रेंस भी मिलती है एंड बहुत ही ज़्यादा माइल्ड सी, एकदम बहुत ही अच्छा फ्लोरल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आपको मिलती है इसमें। एंड जब आप इसको यूज़ करते हैं तब भी आपको जो इसकी फ्रेग्रेंस है ये आती रहती है। इसका जो पाउडर बेस है गाइस, जब आप इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई होता है ना, हम लोग जैसे कि हर्बल पाउडर यूज़ करते हैं चाहे फेस के लिए हो चाहे हेयर के लिए हो, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली आप देखेंगे तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो नेचुरल हैं, नेचुरल बेस हैं, तो अच्छा है, आपके स्किन के लिए भी सेफ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं आपको बता देती हूँ ये जो वैक्स पाउडर है ये आपको किस तरीके से यूज़ करना है। एक चीज़ है गाइस, जब आप इसको देखते हैं ना, बॉटल को, डब्बे को आप देखते हैं तो ये पीछे आपको सारी चीज़ें इसमें मेंशन मिल जाती है, आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। एंड साथ में गाइस, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आप एक पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आपको नेचुरल चीज़ों से भी एलर्जी हो जाती है तो एक पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तो पैच टेस्ट ज़रूरी रहता है, ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो चलिए मैं आपको बता देती हूँ ये वैक्स पाउडर आपको किस तरीके से तैयार करना है पहले। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग गाइस, जब भी आप वैक्स पाउडर तैयार करते हैं तो आप स्टील के बर्तन में मत बनाइए, आप ले लीजिए वुडन जो बाउल आता है वो ले सकते हैं, जैसे मैं ले रही हूँ।
या फिर आप जो कांच की कटोरी होती है वो ले सकते हैं, या फिर जो चीनी मिट्टी का बाउल आता है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ले लेना है बर्तन। एंड उसके बाद में आपको ये वैक्स पाउडर लेना है, आप अपने जो स्किन है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेग वैक्स करना चाहते हैं, हैंड वैक्स करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी पोर्शन होता है वो आप ले लीजिए पाउडर का, जितना भी आपको लेना है उसके अकॉर्डिंग आपको पानी ऐड करना है इसमें। बहुत ज़्यादा रनी काइंड ऑफ पैक नहीं बनाना है, जैसे हम कोई फेस पैक नहीं लगाते हैं वैसे आपको ये पैक बनाना है। उसी पोर्शन में आपको पानी ऐड करना है, धीरे धीरे ऐड करते रहिए। चाहे आप 4 चम्मच पाउडर यूज़ करें तो आप उस तरीके से 6 से 7 चम्मच इसमें पानी यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसका जो पेस्ट है वो स्मूथ काइंड ऑफ बन जाएगा। वैक्स हमारा रेडी हो चुका है गाइस, अब हमें वैक्स करना है। तो इसके लिए जैसे मैं लेग वैक्स कर रही हूँ, जहाँ पे भी आप इसको लगा रहे हैं, चाहे हैंड वैक्स कर रहे हैं या लेग वैक्स कर रहे हैं, तो आपको उस एरिया को अच्छे से वॉश करना है। कोई भी लोशन या ऑयल नहीं लगा हुआ होना चाहिए, इससे ये अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अच्छे से क्लीन कीजिए, पोंछ लीजिए, गीला नहीं होना चाहिए एरिया। अब आपको ये वैक्स लेना है स्पैचुला, या फिर आपको जो ब्रश होता है उसकी हेल्प से ही लगाना है, या फिर आप हाथों से लगा रहे हैं तो ग्लव्स यूज़ कर लीजिए। मैं कोशिश कीजिए ब्रश यूज़ कीजिए, या फिर जो मैं ये स्पून है इस तरीके से लगा रही हूँ, इस तरीके से आपको लगाना है। लगाने के बाद उस एरिया को अच्छे से आपको कवर करना है, पूरे बालों को कवर कर दीजिए, पूरे लेग्स पे भी आप लगा सकते हैं, बट मैं थोड़े से पोर्शन में आपको लगा के बता रही हूँ ताकि आप फ़र्क देख पाएँ अच्छे से। लगाने के बाद आपको 7 से 8 मिनट तक वेट करना है, ऐसे आप लगा लीजिए, नॉर्मल वर्क कर लीजिए अपना जो भी आपको करना है 7 से 8 मिनट तक। उसके बाद में आपको गीला कपड़ा लेना है, सूती का कपड़ा लीजिए, कॉटन मटेरियल होना चाहिए, गीला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ड्राई हो चुका है उसके वहाँ पे आपको क्लीन कर लेना है। जैसे आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्लीन करते हैं, जैसे बालों की ग्रोथ होती है ना, उसके उल्टे डायरेक्शन में आपको क्लीन करना है। क्लीन जैसे आप करते हैं ना गाइस, आप फील करेंगे आपके सारे बाल निकल रहे हैं धीरे धीरे, एकदम जैसे मैल नहीं निकल जाता है वैसे ही आपके बाल भी निकल जाएंगे। तो फ़र्क आप देखिए, अच्छे से क्लीन हो चुका है जितने एरिया में मैंने ये वैक्स पाउडर लगाया था, एंड जिस एरिया में मैंने नहीं लगाया था वहाँ पे बालों की ग्रोथ देखिए आप नॉर्मल है, ठीक है। तो ये फ़र्क। सो गाइस, इस तरीके से आपको ये नेचुरल वैक्स पाउडर यूज़ करना है। तो मैंने जब इसको यूज़ किया था ना, फर्स्ट टाइम एकदम इम्प्रेस हो गई थी, मुझे लगा था वाओ क्या अच्छे से इसने बालों को रिमूव किया है। सो गाइस, इस तरीके से आपको ये नेचुरल वैक्स पाउडर यूज़ करना है, एंड इसके जो रिजल्ट है वो ये काफ़ी अच्छे है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से आपके बालों को रिमूव करने में हेल्प करता है। आप कम्प्लीटली अपने लेग वैक्स कर सकते हैं, हैंड वैक्स कर सकते हैं, हाथों से भी आप अपने पूरे बालों को रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने आज अपने हाथों को वैक्स किया है इससे, एंड ये बहुत अच्छे से रिमूव हो चुका है। एंड साथ में गाइस, इसकी जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है, तो ये आपको फील भी अच्छा देती है। नेचुरल होने के साथ साथ अपनी स्किन के लिए भी सेफ़ है, क्योंकि ये किसी भी तरीके के इफ़ेक्ट जो होते हैं, हम कोई वैक्स यूज़ करते हैं रेडनेस हो जाता है, जलन होती है, खुजली होती है, दाने आ जाते हैं, वो वाली फील मुझे इसको यूज़ करने के बाद नहीं आती है। तो ये चीज़ अच्छा फील होता है ना कि हम कोई नेचुरल चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे तो यार ये बहुत अच्छा लगा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, एंड ये 100% वर्क करता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। 100% वर्क करती है तो अच्छी है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। सो डेफिनेटली गाइस, आप इसको ट्राई कीजिए, एंड मुझे कमेंट कीजिएगा जब भी आप इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड या शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके मेंशन कीजिएगा प्रोडक्ट्स के नेम, मैं उनके भी वीडियोस आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।